मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आए हैं, उनका हम जवाब देंगे। आपने जो प्रश्न हमसे पूछे हैं उसका संतुष्टिपूर्ण उत्तर आपको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, जब तक संवाद केवल एक तरफा हो तब वो सच्चे अर्थों में संवाद नहीं कहा जा सकता। आज रविवार है, 22 अगस्त है, रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, तो मैं अपनी सभी सम्मानित बहनों को प्रणाम करता हूँ। अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी प्रकार से आप बनाए रखें। साथियों, इसी प्रकार का हमारा कार्यक्रम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर नियमित रूप से प्रसारित होता है। अब चूंकि हमारे साधना सिद्धि चैनल के परिवार के सदस्यों की भी संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो अब हमने ये डिसीजन लिया है कि एक रविवार हम ये कार्यक्रम, जिसका कि नाम है आपने पूछा है, वो आचार्य चंद्रकांत पर प्रसारित करेंगे और अगले रविवार हम उसको साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो आइए साथियों, आज के हम कमेंट का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट हमने शामिल किया है वो है ज्योत्सना रानी बारीक जी का, और ज्योत्सना जी आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी। ज्योत्सना जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आज विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट एक और बहन का ही है, कुलविंदर कौर, और आपने लिखा है कि प्रणाम गुरुजी, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी, आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है शुभम हजारे जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, कोटि कोटि धन्यवाद, माँ भगवती कल्याण करें और आप YouTube परिवार की ऐसे ही सेवा करते रहें। शुभम जी, हमारा एकमेव उद्देश्य है, सबसे पहली प्राथमिकता है सेवा, और हम प्रत्येक शोध के समय सेवा को ही प्राथमिकता रखते हैं। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें। साथियों, अगला कमेंट लिखा है शिव कुमार MP, नमस्ते आचार्य जी, विल आई गेट मैरी इन सिक्स्थ हाउस मून एंड सैटर्न कंजक्शन, दिस कॉम्बिनेशन वुडंट अलाउ मी टू गेट मैरी, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू, नाउ आई एम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, स्टिल सिंगल, लूजिंग होप्स इन लाइफ, प्लीज सजेस्ट गुरुजी, नमस्ते। देखिए शिव कुमार जी, शनि और चंद्रमा, इसके विष दोष की बात हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही प्रसारित हमारे कार्यक्रम में की है। आपकी जन्म पत्रिका में छठे स्थान पर ये दोष निर्मित होकर के और शादी में विवाह के जो संभावना है उसको न्यूनतम करने का कार्य कर रहा है। आपको एक उपाय तुरंत कर देना चाहिए कि प्रत्येक शनिवार, शनिवार से ही प्रारंभ करना है, और प्रत्येक शनिवार आपको शनि कवच का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है अशोक कुमार ढकतोड़े जी का, आचार्य जी क्या ये प्रयोग केतु चंद्रमा दोष के लिए भी कारगर है, विष दोष वाला? अशोक कुमार जी, देखिए, चाहे राहु और चंद्रमा की युति हो तो इसको स्पष्ट रूप से हम गलत मानते हैं, और केतु और चंद्रमा की जो युति है वो भी कहीं ना कहीं विष के निर्माण का कारण बनती है, तो आप ये उपाय उसके लिए भी अवश्य ही कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है अपर्णा सिंह जी का, और आपने लिखा है डाइवोर्स के बाद शादी का उपाय बताइए गुरुजी, प्लीज़ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ 6 साल से, प्लीज़ हेल्प कीजिए गुरुजी मेरा। अपर्णा जी, हमारे चैनल पर नियमित रूप से और लगातार शीघ्र विवाह के प्रयोग प्रसारित तो होते रहते हैं, हम कारण की भी चर्चा करते हैं और समाधान की भी चर्चा करते हैं, और प्रथम विवाह के साथ ही द्वितीय विवाह के लिए भी हम उपाय नियमित रूप से बताते हैं। आप जाकर के वहां पर चैनल को विस्तार से देखिए, आपको अपने लिए भी अवश्य ही कोई उपाय
अवश्य मिलेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट है शकुन शरण जी का, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी आपके आशीष से भी सब कुछ संभव है। एवरी डे वी गॉट प्रीशियस नॉलेज फ्रॉम यू गुड सेल्फ, थैंक्स अ टन्स, कोटि कोटि नमन व वंदन। शकुन जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और जो सुयोग्य शिष्य होते हैं उनकी आशा प्रार्थना अवश्य ही रंग लाती है। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट है यश जैरी जी का, सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे, मेरी कुंडली है कुंभ लग्न की, उसमें लग्न में केतु है और राहु सेवंथ हाउस में है और बाकी सब दूसरे ग्रह उनके अंदर है, लेकिन दो ग्रह बाहर हैं चंद्रमा और शुक्र। सर क्या ये कालसर्प योग गिना जाएगा, प्लीज़ बताइए। यश जी ये कालसर्प योग की गणना में नहीं आएगा। कारण ये है कि कालसर्प योग केवल तभी निर्मित होता है जब सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में दो ग्रह बाहर हैं इसलिए इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कालसर्प योग को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जाइए, वहाँ कालसर्प योग पर पूर्ण और विशद जानकारी आपको इसके प्लेलिस्ट में अवश्य ही मिल जाएगी। साथियों अगला कमेंट है सुलेखा साहू जी का, और आपने लिखा है ओम शांति गुरु जी। सुलेखा जी ओम शांति, ईश्वर आपको स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करे। साथियों अगला कमेंट है शिल्पा अवहद जी का, प्रणाम आचार्य जी। शिल्पा जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है दुर्गा जे जी का, वंडरफुल रेमेडी गुरुजी धन्यवाद। दुर्गा जी हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सरलतम और शीघ्रतम असर करने वाले उपाय आपको नियमित रूप से प्रदान कर सकें, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है ममता पाटिल जी का, और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम, ये उपाय सुबह करें या शाम को करें। ममता जी आपने जिस उपाय के बारे में पूछा है उसको सुबह भी किया जा सकता है, संध्या काल को भी किया जा सकता है, इसलिए आप इसको अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। साथियों अगला कमेंट हमने शामिल किया है सुशीला प्रजापति जी का, गुरु जी ये व्रत सभी लेडीज़ या लड़कियाँ कर सकती है या सिर्फ जिसे मंगल हो वही करें। सुशीला जी जो मंगला गौरी व्रत है वो ख़ास तौर पर मंगली दोष के लिए किया जाता है, परंतु यदि आप फिर भी इसको करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में निखार ही आएगा, इसलिए आप इसको निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अगला कमेंट है मुकेश कुमार जी का, आदरणीय गुरुजी प्रणाम, कृपया सर्वहित के लिए सभी ग्रह अच्छे रहें ऐसा कोई उपाय बतलाएं। मुकेश कुमार जी देखिए सभी के लिए कोई एक उपाय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में ग्रहों की स्थितियां, उनकी डिग्रियां, उनकी प्लेसमेंट, उनके बलाबल अलग अलग होते हैं, इसलिए जो ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है हमें केवल उसकी आराधना करने का अवसर मिले यही श्रेष्ठ रहेगा। साथियों अगला कमेंट है कीर्ति पांडे जी का, प्रणाम पंडित जी। कीर्ति जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है शिल्पम त्रिपाठी जी का, गुरु जी मैं व्रत तो करती थी पर मंत्र नहीं पढ़ती थी, क्या अब से शुरू कर सकती हूँ। देखिए मंत्र किसी भी उपाय का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और पूर्ण परिणामों के लिए ये आवश्यक है। यदि आप केवल साल भर पढ़ाई करते रहें और परीक्षा में आप कुछ भी ना लिखें तो परीक्षा में आप कभी पास नहीं हो पाएंगे। प्रयोग भी आपको करना चाहिए, और अब तक यदि आपने मंत्र जाप नहीं किया है तो आगे से आपको मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। साथियों अगला कमेंट है सोनम जायसवाल जी का, गुरु जी 12th हाउस में अगर मंगल हो और गुरु भी साथ में हो तो क्या मंगल दोष खत्म हो जाता है, प्लीज दिशा दिखाइए, क्या मुझे ये व्रत करना चाहिए। आपने ये प्रश्न मंगला गौरी के बारे में पूछा है।
देखिए, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि क्या गुरु मंगल के साथ में युति करके मंगल दोष को समाप्त कर देता है। इसमें एक स्पष्ट बात आप समझ लीजिए कि यदि गुरुदेव की डिग्री मंगल से अधिक है तब ही ये कैंसिलेशन होगा, अन्यथा ये नहीं होगा, और आपको भी ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है मनासी उमेई जी का। आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम, पूजा करने के बाद दिए का क्या करें? आपने भी मंगला गौरी व्रत के संदर्भ में ये बात पूछी है। पूजा करने के बाद आप उसको बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या पीपल की जड़ में उसको समर्पित कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है शिवानी शाह जी का। गुरु जी, मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं पुराने चैनल पर भी, आप बहुत आसानी से सब कुछ बताते हैं, आपका ज्ञान सर्वोत्तम है। शिवानी जी, मैं केवल एक विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष को पढ़ना, समझना और निरंतर उसको परिष्कृत करना, यही मेरा कार्य है। और हमने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष को अलग कर दिया है। आपने पुराने चैनल पर भी अपना स्नेह दिया, इस पर भी आप बने हुए हैं, आप अवश्य ही साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है योगिता वर्मा जी का। आचार्य जी, आपने जो कहा है कि सेवंथ हाउस में मंगल हो तो फैमिली ही शादी नहीं करेगी और मंगली की वजह से ही फैमिली शादी के लिए मना कर रही है, तो फिर क्या करें? योगिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, मंगल दोष के कारण ये सारी समस्याएं आती है। आप मंगल दोष का सर्वप्रथम उपाय करें, और यदि आपको नहीं कहीं पर उपाय मिल रहा है तो हमारे ही चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के मंगल संबंधी उपाय खोज सकते हैं, आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। साथियों, अगला कमेंट है नलिनी प्रधान जी का। गुरु जी, ना पता होने के कारण मैंने नॉन मंगलिक से शादी कर ली। आपने जो कुछ कहा था सब मेरे साथ हो चुका है। पति की मृत्यु हो गई है, क्या मैं ये व्रत कर सकती हूँ इस दोष से मुक्ति पाने के लिए, या फिर मैं क्या करूँ? रिप्लाई कर दो सर प्लीज़। देखिए नलिनी जी, हमारा कार्य है आपको जागरूकता और जानकारी और सावधानियों के बारे में बतलाना, उस पर चलना ना चलना ये आपका डिसीजन होता है। पतिदेव का आपके मुझे सुनकर गहरा अवसाद लगा है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अब ये व्रत आपके काम का नहीं है, आपको अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि ये अब आपके लिए द्वितीय विवाह का मामला हो गया है। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है भूपेंद्र फर्टियाल जी का। आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार, आपने जो दिया बनाने को बताया है उसमें सरसों का तेल या गाय का घी क्या होना चाहिए, और पुरुषों को ये प्रयोग कितने सावन करना चाहिए, क्या शादी के बाद भी कर सकते हैं? देखिए, सरसों के तेल और गाय के घी की जो आपने बात कही है उसमें गौ माता के घी का प्रयोग ही सर्वोत्तम रहेगा। और पुरुषों को कितने सावन करना चाहिए, तो कम से कम 3 सावन तो उनको भी करना ही चाहिए, और हाँ, शादी के बाद भी आप अवश्य ही इसको कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट हमने एक बहन का ही शामिल किया है, शीतल बंसौड़े जी का। थैंक्स गुरु जी ये उपाय बताने के लिए, और आपने ये मंगला गौरी व्रत के लिए कहा है। शीतल जी, ईश्वर आपको इस व्रत में पूर्ण रूप से सक्षम बनाए और आपको इसके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है रूपाली शिरसाथ जी का। गुरु जी, ये व्रत पूरा दिन होने के बाद दिए का क्या करना है, और हस्बैंड की पत्रिका में मंगल है तो क्या वाइफ उनके स्थान पर इस व्रत को कर सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। रूपाली जी, वैसे मैंने अभी दिए के बारे में जानकारी प्रदान कर दी है, आप उसको बहते जल में या पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि हस्बैंड के लिए वाइफ कर सकती है, नहीं कर सकती है। जिसको पीड़ा है, जिसको कष्ट है, जिसकी कुंडली में मंगल है, वो स्वयं करेगा, तभी उसको समाधान प्राप्त होगा। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है संता दास जी का। आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम ग्रहण कीजिए,
धन्यवाद पंडित जी, और आपने ये धन्यवाद दिया है मंगला गौरी व्रत के हमारे एपिसोड के प्रसारण के लिए। संता दास जी, आपको हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे कुछ कमेंट, और हमारा दिल से प्रयास यही रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें, और यही कारण है कि अब दो चैनल होने के बावजूद भी हमने हमारे इस कार्यक्रम को कंटिन्यूस रखा है। चाहे हमारे ऊपर शोध का भार कितना ही ज़्यादा आ जाए, परंतु हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकें। तो साथियों, अब आपसे इजाज़त का समय आ जाए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।